Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. Please subscribe. Dear viewers, today we are going to read about Franz Kafka, one of the most prominent and influential literary figures of the 20th century. Let's start. He was a German language writer of novels, short stories, and one of the most influential authors of the 20th century. कि वो नावल निगार था, अफसाना निगार था, और उसे 20वीं सदी के अहम तरीन अदीबों में से एक समझा जाता है. Most of his works such as The Metamorphosis, A Transformation, The Trial, The Castle, are filled with the themes of archetypes of alienation, physical and psychological brutality, parent-child conflict, characters on a terrifying quest, etc. कि इस तरह की themes क्या हैं वो उसके novels और short stories में मौजूद हैं. अब हम आते हैं archetype की तरफ कि what's an archetype? कि it's a typical character, an action, a situation that seems to represent universal patterns of human nature. कि ये जो आफाकी इंसानी फितरत है उसमें मौजूद जो पैटर्न्स हैं उन्हें हम आर्कीटाइप्स कहते हैं. इसे हम यूनिवर्सल सिंबल भी कह सकते हैं. और एलियनेशन कहते हैं एक्सपीरियंसिंग और इंड्यूसिंग फीलिंग्स ऑफ आइसोलेशन और एस्ट्रेंजमेंट और इमोशनल आइसोलेशन और डिस्टेंस फ्रॉम अदर्स. कि ये जो तन्हाई का शिकार होना है इसे हम एलियनेशन कहते हैं. फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल सेविजरी या ब्रूटैलिटी कह लें. पेरेंट चाइल्ड कॉन्फ्लिक्ट क्योंकि उसका अपना चाइल्डहुड जो है वो बहुत बुरा गुजरा था तो उसके और उसके बाप के दरमियान जो रिलेशनशिप था इट वॉज नॉट हेल्दी. साइकोलॉजिकली इट वॉज सिक. तो उसने जो है इसके मुतालिक लिखा. और जो है उसके जो किरदार हैं वो जो है किसी न किसी सफ़र पे होते हैं. आम तौर पे उस सफ़र से मुराद क्या है कि वो अपनी शनाख्त या अपने तशख्स को पहचानने की कोशिश में लगे होते हैं. काफ्का वॉज बॉर्न इन टू अ मिडिल क्लास जर्मन स्पीकिंग जूश फैमिली इन प्राग, पार्ट ऑफ ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर. नाउअडेज इज चीकोस्लोवाकिया. कि अब इसे चीकोस्लोवाकिया नहीं कहा जाता बल्कि उसकी डिसइंटीग्रेशन के बाद इसे चेक रिपब्लिक कहते हैं. तो उसके कैपिटल प्राग में ये पैदा हुआ था. अगरचे उसने सारी ज़िंदगी जर्मनी में गुजारी और ज़्यादातर काम भी जर्मन जबान में लिखा. ओनली अ फ्यू ऑफ काफ्काज वर्क्स वर पब्लिश ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम. कि उसकी ज़िंदगी में उसका बहुत कम काम पब्लिश हुआ. The Story Collection, Contemplation and A Country Doctor were published in literary magazines. के अदबी रसायल में उसकी ये दो किताबें या काम जो है वो पब्लिश हुआ. अक्सर उसकी मौत के बाद पब्लिश हुए बल्कि उसने अपने ज़्यादातर काम जो है उसको जला दिया था. Kafka's troubled relationship with his father is evident in his letter to his father in which he complains of being profoundly affected by his father's authoritarian and demanding character. कि उसने अपने बाप को ख़त लिखे और इन खतूत से जो है काफ्का और उसका जो रिलेशनशिप था उसके बारे में भी पता चलता है और उसके बाप की शख्सियत के बारे में भी कि जो इंतहाई बॉसी और स्ट्रिक्ट था और जिसे खुश करना बहुत मुश्किल था कि बहुत इंसिस्टेंट या नेगिंग कह लें. काफ्का कॉन्सिडर्ड फ्यूदर दोस्तों यस्की. ये कौन था? एक रशियन नॉवलिस्ट था, शॉर्ट स्टोरी राइटर था, फिलोसोफर था, एसेइस्ट था और जर्नलिस्ट था. और उसके काम भी बेहद मशहूर हैं और हिज वर्क्स जो हैं एक्सप्लोर ह्यूमन साइकोलॉजी इन ट्रबल्ड वर्ल्ड ऑफ 19th सेंचुरी रशिया. और अब दूसरा नाम है फ्रांस ग्रिल प्रेत्सर. ये एक ऑस्ट्रियन ड्रामाटिस्ट था बल्कि व्यानीज या व्याना के स्टेज का सबसे मशहूर ड्रामा निगार था. और लास्ट है हाइनरिश वान क्लाइस्ट. ये एक जर्मन पोइट था, ड्रामाटिस्ट था, नॉवलिस्ट था, शॉर्ट स्टोरी राइटर था और जर्नलिस्ट था.
कि इनसे जो है उसकी क्लोज एफिनिटी थी इन तीन राइटर्स से. मैक्स ब्रोड काइंड द टर्म द क्लोज प्राग सर्कल टू डिस्क्राइब द ग्रुप ऑफ राइटर्स विच इंक्लूडेड काफ्का, फेलिक्स वेल्च एंड हिमसेल्फ. कि मैक्स ब्रोड कौन था, ये एक जर्मन स्पीकिंग ज्यू था, ये भी ऑथर था, कंपोजर था और जर्नलिस्ट था. अगरचे इसने खुद भी बहुत कुछ लिखा मगर दुनिया इसे काफ्का के बायोग्राफर और दोस्त की हैसियत से जानती है. ये उसका लिटरेरी एग्जीक्यूटर भी था कि जिसे काफ्का ने कहा था कि वो मरने के बाद उसके अनपब्लिश वर्क को जला दे. ये जो फेलिक्स वेल्च था ये भी एक जर्मन स्पीकिंग ज्यूइश लाइब्रेरियन था, फिलोसोफर था, ऑथर था, एडिटर था और ये जियोनिस्ट भी था कि ये यहूदी काज का हामी था. कि इन तीन को उसने कहा कि ये जो है क्लोज प्राग सर्कल था, कि ये तीनों दोस्त थे. In 1911, Kafka immersed himself in Yiddish language and Yiddish literature for 6 months. Yiddish kya hai? It means literally Jewish. Magar asal mein ye hai language of the Ashkenazi Jews. Ke jo European Jews the, jo Eastern or Central Europe mein reh rahe the, unki zaban ko Yiddish kaha jata. Ye Hebrew alphabet mein likhi jati hai. काफ्का वॉज नेवर मैरिड, कि उसने शादी नहीं की थी. काफ्का डाइड इन 1924 व्हाइल ही वॉज एडिटिंग अ हंगर आर्टिस्ट, कि जब वो इसे एडिट कर रहा था तो उसकी मौत वाकई हो गई, मर गया. ऑल हिज वर्क्स आर रिटन इन जर्मन एक्सेप्ट फ्यू लेटर्स दैट ही रोट इन चेक, कि चंद खतूत तो उसने चेक जबान में लिखे, बाकी उसका ज़्यादातर काम जो है वो जर्मन जबान में लिखा गया. काफ्का बर्न अराउंड 90% ऑफ हिज वर्क्स, कि उसने 90% काम तो जला दिया था, कि उसका बहुत कम काम पब्लिश हुआ, उसके बावजूद वो दुनिया के मशहूर तरीन अदीबों में से एक है. His earliest published works were 18 stories which appeared in 1908 under the title Contemplation or Meditation. कि पहला जो पब्लिश हुआ उसका काम वो 18 कहानियों पर मुश्तमिल था और इसका टाइटल था Contemplation or Meditation, जिसका मतलब है टू थिंक ओवर, सोचना. Kafka wrote The Judgment in 1912 and dedicated it to Felicite Bowa. कि ये कौन थी, ये उसकी फियांसे थी या मंगेतर थी. It deals with the troubled relationship of a son and his dominant father. कि इसमें भी समझ लें ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स हैं, कि उसका बाप के साथ ट्रबल्ड रिलेशनशिप था तो यहाँ पे भी यही दिखाया गया. Kafka described this work as a complete opening of body and soul. मतलब उसने कहा कि मैंने सब कुछ दिखा दिया, अपने इनर मोस्ट फीलिंग्स भी शेयर की. And a story that evolved as a true birth covered with filth and smile. कि वो ट्रबल्ड रिलेशनशिप था तो उसमें फिल्थ भी है और खुशी भी है. फिल्थ वैसे कहते हैं गंद को, यहाँ पे साइकोलॉजिकल फिल्थ मतलब साइकोलॉजिकल ट्रबल कह लें या मिजरी कह लें. The Metamorphosis or the Transformation, ये उसकी सबसे मशहूर कहानी है या नॉवेला है. It was published in 1915, कि 1915 में पब्लिश हुआ था. The story begins with a traveling salesman, जिसका नाम था Gregor Samsa, waking to find himself transformed into a monstrous insect, a giant insect. कि वो एक दिन बेदार होता है तो वो एक बड़े से कीड़े में तब्दील हो चुका होता है. His family horrified, उसके अहले खाना डर जाते हैं and disowns him, मतलब उसे छोड़ देते हैं. And he dies of neglect, और negligence की वजह से वो मर जाता है. अभी बहुत मशहूर है तो इसकी थीम क्या है वो आपको ज़रूर याद रखनी चाहिए, कि एक magical, realist, allegorical tale है that touches on the theme most central to us all. कि ये भी समझ लें आर्किटाइप ही है, कि हम सब के लिए सेंट्रल है, हम सब इससे गुजरते हैं. That of struggling to find and express one's own identity in a world of ever-present, all-consuming obligations. कि हर बंदा ही अपने तशख्स या शनाख्त के पीछे है कि आखिर वो क्या है, कौन है. उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं.
Kafka began his first novel in 1912, The Man Who Disappeared, or The Missing Man. It remained unfinished and was published posthumously under the title America. Posthumously published after the death of the author. कि ये उसकी मौत के बाद फिर जो है पब्लिश हुआ. ड्यूरिंग 1914 काफ्का बिगेन द नॉवल द ट्रायल, कि उसने ये नॉवल लिखना शुरू किया. द स्टोरी ऑफ अ मैन अरेस्टेड एंड प्रोसिक्यूटेड बाय अ रिमोट इनएक्सेसिबल अथॉरिटी विद द नेचर ऑफ हिज क्राइम रिवील नीदर टू हिम नॉट टू द रीडर. कि एक बंदे को प्रोसिक्यूट किया जाता है, उसे अपने जुर्म का पता तक नहीं, और जो उसे प्रोसिक्यूट कर रहा है उसकी शनाख्त भी मौजूद नहीं है. काफ्का डिडंट कंप्लीट द नॉवल, रेदर फिनिश द फाइनल चैप्टर, कि उसने कंप्लीट तो नहीं किया, बस इसका आखिरी चैप्टर लिखा और ये कहानी फिर पब्लिश हो गई. इसकी थीम्स भी जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, पूछी जा सकती हैं. कि इसमें यह दिखाया गया है, इसकी बेसिक थीम ये है कि अ फोर्स और एंटिटी बियॉन्ड द कंट्रोल एंड स्क्रूटनी ऑफ द इंडिविजुअल आर्बिट्रेरीली डिटरमिन्स हिम और हर डेस्टिनी जस्टली एंड अनजस्टली. कि मतलब उसे आप डिवाइन विल कह लें, उसे आप डेस्टिनी कह लें, या गवर्नमेंट कह लें, मतलब जो चीज़ें भी हमें कंट्रोल कर रही हैं उनके बारे में समझ लें, एक एलिगोरिकल टेल है. कि वो जो इनएक्सेसिबल अथॉरिटी है उसे आप खुदा का नाम दे सकते हैं, डिवाइन विल का नाम दे सकते हैं, या उसे जो है किसी गवर्नमेंट का नाम भी दे सकते हैं. और आजकल तो पॉलिटिकली आप देख रहे हैं हमारा एटमॉस्फेयर क्या है, वो पॉलिटिकली चार्ज्ड है. तो काफ्का की ये कहानी क्या है वो बहुत रेलेवेंट है आज की दुनिया में भी. द टर्म काफ्काएस्क इज वेरी फेमस कंसर्न विद हिज नेम, कि उसके नाम से ये टर्म है काफ्काएस्क. तो काफ्काएस्क क्या होगा, ऑफ और रिलेटिंग टू और सजेस्टिव फ्रांस काफ्का और हिज राइटिंग्स. और उसकी राइटिंग्स में आमतौर पे क्या होता है, हैविंग अ नाइट मारिशली कॉम्प्लेक्स बिजार और इलॉजिकल क्वालिटी. तो इसके लिए हम फिर काफ्काएस्क की टर्म यूज करते हैं डिस्क्राइब करने के लिए किसी भी ऐसे लिटरेरी वर्क को. अब उसके इंपॉर्टेंट वर्क्स गिवन हैं, इनके नाम आप पढ़ सकते हैं, द ट्रायल, द मेटामॉर्फोसिस, द ट्रांसफॉर्मेशन, बिफोर द लॉ, इन द पीनल कॉलोनी, अ हंगर आर्टिस्ट, द जजमेंट स्टोरी, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, शॉर्ट स्टोरी कॉल द कॉसल अमेरिका, मेडिटेशन कॉन्टेम्पलेशन और मेडिटेशन. ये स्टोरी कलेक्शन थी जैकल्स एंड अरब्स, प्रोमेथियस और फ्रांस काफ्का'स डायरी. ये उसके काम थे. आई थिंक लेट्स call it a day. I'm going to see you very soon with a new video. Till then, Allah Hafiz, stay safe, stay blessed, and keep on watching my